मॉर्निंग भाई सबको, मॉर्निंग 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 यार सबको। लास्ट डे प्रोबेबली यू रिमेंबर दैट आई ट्राई टू एस्टैब्लिश वन थिंग दैट दीज टू आर डिफरेंट कंसेप्ट। मैंने लास्ट डे ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी कि ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, सेम कंसेप्ट नहीं है। ये जहां वर्ब के फॉर्म को इंडिकेट करता है वहीं आपको टाइम के अनुसार प्रॉपर वर्ब के फॉर्म को चुनना होता है। इफ यू रिमेंबर, क्लियर था? अब एक चीज कि आपके वर्ब का जो फॉर्म होगा वो दो तरीके से, सॉरी टाइम का जो इंडिकेशन होगा वो दो तरीके से आपके सेंटेंस में आपको मिलता है, पहला एक्सप्लिसिट और दूसरा इंप्लाइड। एक्सप्लिसिट इन अ सेंस कि वहां पे समय का वर्ड दिया हुआ रहेगा क्लियर क्लियर सेंटेंस में। जैसे सपोज करो मैं अगर ये लिखूं यस्टरडे, एक्सप्लिसिट का मतलब होता ऑब्वियस, स्पष्ट, क्लियरली लिखा हुआ रहेगा सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड जिसको पढ़ के आपको एकदम पता चल जाएगा कि मैं किस टाइम के बारे में बात कर रहा हूं, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का। हाँ, जब वो थोड़ा अप लेवल पे जाएगा तो ये इस तरह का जो वर्ड होता है ना, यस्टरडे, टुमारो, लास्ट डे, ऐसे वाले से हटके थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो जाएगा। जैसे देखो, टाइमिंग यू गेटिंग, देखो इसमें आपको समझने के लिए एक बात क्लियर करनी है कि आपका ये जो वर्ब का जो फॉर्म है इससे अगर आप टाइम गेस करने की कोशिश कर रहे हो तो ये गड़बड़ होगा, ये तुम्हारा गड़बड़ होगा, ये गड़बड़। क्योंकि एक रूल आप याद करेंगे कि आपके पास इफ लगा हो या व्हेन लगा हो, इसके बाद के सेंटेंस में हम विल शैल या मॉडल नहीं लगा सकते। यू रिमेंबर, अब अगर हम विल शैल या मॉडल नहीं लगाएंगे मतलब बहुत क्लियर है कि हम फ्यूचर बना नहीं सकते, मे माइट कैन कुड यूज नहीं कर सकते, तो हमारे पास तो दो ही ऑप्शन है ना कि यहां पे या तो हम प्रेजेंट टेंस का कोई वर्ब का फॉर्म डालें या पास्ट टेंस के वर्ब का फॉर्म डालें। अब यहां पे प्रेजेंट टेंस का फॉर्म डाला हुआ है, डज इट इंडिकेट, क्या इस सेंटेंस से तुमको प्रेजेंट का इंडिकेशन मिल रहा है या फ्यूचर का इंडिकेशन मिल रहा है? अब यह समझना है, तुम्हारी परेशानी यह नहीं है कि हमारा वर्ब का कौन सा प्रॉपर फॉर्म आएगा, वो बताना हो बहुत छोटे से टाइमिंग में बहुत आराम से हम वो इंडिकेशन कर सकते हैं। लेकिन एक बात बोलिए कि ये वाले को देख के आपको कौन सा टाइमिंग समझ में आ रहा है, इससे डिसाइड होगा। या अच्छा, अगर मान लो कि टाइम या कंडीशन बताने वाले शब्दों के बाद विल शैल या मॉडल का इस्तेमाल नहीं होता है, ये रूल हम लोग डिस्कस किए हैं नहीं? देखो, अ फ्यू थिंग्स आर देयर विच आर इनकॉम्पैटिबल। इनकॉम्पैटिबल का मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को टेंस का अगर सारा फॉर्म पढ़ना हो उसके पहले कुछ चीजें एग्रीएबल नहीं है, वो एग्री नहीं करेंगे साथ में। जैसे आपका इफ, व्हेन,
लास्ट में हो सकता दिखाई नहीं पड़ रहा हो, नो सुनर के साथ दैन लगा के, सिंस, आफ्टर, बिफोर एंड बाय द टाइम, बाय द टाइम। नाउ एक एक चीज याद रखेंगे कि दीज ऑल आर कंजंक्शंस, ये सारे कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन जहां कंडीशन बताते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति हुई तो गेटिंग, वेयर एज दीज कंजंक्शंस इंडिकेट टाइम। अब इनके साथ एक जनरल रूल है, जेनरिक जो सब जगह काम करेगा, कि इनके चूंकि एक कंजंक्शन है तो दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, और इनके बाद जो सेंटेंस आएगा, जस्ट बाद जो पहला सेंटेंस आएगा, ध्यान रखिएगा कंजंक्शन है दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, और इनके जस्ट बाद जो पहला सेंटेंस आएगा, सपोज करो कंजंक्शन है, मैं दो सेंटेंस को ऐसे लिखा, पहला सेंटेंस आएगा अगर, या फिर हम एज लॉन्ग एज को ऐसे रखें, एक सेंटेंस हम यहां रखें, बीच में एज लॉन्ग डालें, फिर यहां रखें, तो भी इस सेंटेंस में कभी भी विल, शैल या मॉडल का यूज नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है, ना विल लगेगा, ना शैल लगेगा, ना मॉडल लगेगा। क्लियर? इसमें मैं यहां के नीचे मिटा रहा हूं। अब अंडरस्टैंडिंग का रोल, दिस सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, सर एक एक फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा, उसको देखो और प्लस अंडरस्टैंडिंग वाइज सेंटेंस को समझने की कोशिश करना। एक बात क्लियर है कि ये कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है, दो सेंटेंस जोड़ा है इसने, अब ये आपका विल यहां से हटेगा, अब हटेगा तो ही अराइव हो जाएगा, सर विल के चलते नहीं, यहां भर्व का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, अगर विल हटा तो ही के साथ सीधा भर्व आ जाएगा, तो अब अराइव्स होगा। क्लियर? अब सेंटेंस को समझने की कोशिश करो, जो मैं जिस बात को इंसिस्ट कर रहा था कि अगर तुम्हें कभी ऐसा मिला आफ्टर ही अराइव्स, तो क्वेश्चन ये उठता है आपके समझने के लिए कि ये सेंटेंस, ये भर्व प्रेजेंट इनडेफिनिट इंडिकेट कर रहा है या फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है? बताएंगे जरा, अब जरा सोचना, तुम एक, एक एक बात को बहुत जरूरी ध्यान है समझने के लिए, जरूरी है, आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको नहीं पढ़ो तो ये ही अराइव्स प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट कभी किसी ऐसे काम के लगाते हैं जो परमानेंटली हैबिचुअली लगातार होता है, आपने पढ़ा है ना, परमानेंट एक्टिविटी, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन इत्यादि इत्यादि, आपने आपने पढ़ा है। अब अगर आपने ये बोला कि ही अराइव्स, तो वो फ्रीक्वेंटली पहुंचता है, ये मीनिंग आ जाएगा, यही मीनिंग आएगा ना। अच्छा मैं अगर लिखूं He studies, अभी इतना ही, बस इतना ही, बिना कुछ किए हुए। अच्छा वो रोज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, हैबिचुअली पढ़ता है कि नहीं, हैबिचुअल एक्शन है ना। अब अगर मैं यहां पे इफ लगा रहा हूं, तो एक बात बताओ, इफ लगाया हुआ काम कभी होता है क्या? इफ लगाया हुआ काम क्या होता है? अगर ऐसा हुआ मतलब अभी तक नहीं हुआ है वो, तभी तो आप इफ लगा रहे हो। अगर बारिश होगी, डज इट मीन कि बारिश अभी हो रही है,
तो अब एक बात समझिएगा जरा अंडरस्टैंडिंग वाइज कि क्या इन दोनों का तालमेल है। एक तरफ वर्ब का फॉर्म ऐसा जो हैबिचुअल लक्षण बताता है, दूसरी तरफ इफ जो कभी काम हुआ ही नहीं है। तो फिर अगर मैं ऐसे लिखूं तो मुझे अगर ये प्रेजेंट डेफिनिट दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब आपने टेंस एंड टाइम दोनों को मिला दिया है, दोनों को आपने मिक्सअप कर दिया है, कंसेप्ट वाइज कुछ नहीं डेवलप हुआ है। ये लगाने का मतलब है, जरा समझना, हाँ वो पढ़ेगा ठीक है। अब मैं यहां पे इफ लगाऊंगा, अब क्या होना चाहिए, विल हटेगा और विल हटेगा तो एक बात बताइए कि क्या विल हटाने के बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया क्या? इसको टारगेट करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है सर। एक बात ध्यान रखेंगे कि जिस लिस्ट को आपने लिखा है अगर उसके बाद प्रेजेंट दिखाई पड़ा तो वो सेंटेंस प्रेजेंट का नहीं है। प्रेजेंट का अगर वर्ब का फॉर्म दिखाई पड़ा तो वहां पे इनके साथ मजबूरी है कि इनके साथ हम विल शैल नहीं लगा सकते हैं, तो मेरे को प्रेजेंट ही लगाना पड़ेगा। लेकिन अर्थ प्रेजेंट का नहीं निकलेगा। प्रेजेंट का क्या निकले, उसको उसमें क्या होगा, फ्यूचर का निकलेगा ना, वो एक्चुअली ओरिजिनली वो मीनिंगफुल था फ्यूचर में, मीनिंगफुली उसको बनाना होगा तो फ्यूचर ही निकालना पड़ेगा। अब जैसे देखो, अब जरा देखो कि आफ्टर ही अराइव्स का मतलब क्या, जब वो पहुंचेगा उसके बाद हम लोग एक फिल्म देखेंगे। पहुंचेगा, पहुंचता है नहीं, कौन सा विल पास नॉट पासेज। अगर ही पासेज लिखेंगे तो पास करता रहेगा क्योंकि ये सेंटेंस फ्यूचर का है एंड दिस इज कॉल्ड टेंस को पहचानना थ्रू टाइम। यही बोला जाता है टेंस का प्रॉपर फॉर्म पहचानना विथ टाइम। और गाइड किससे हो रहा है, तुम ध्यान रखो पूरे का जड़ यहां पे है। अब जो मैंने सेंटेंस लिखा था बाय द टाइम ही अराइव्स, जरा देखो तो पहला सेंटेंस जो लिखा था तुम वो कौन सा टाइमिंग बता रहा है, पता नहीं बाय द टाइम, प्रेजेंट या फ्यूचर, फ्यूचर नॉट प्रेजेंट, गेटिंग, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड टाइम एंड टेंस। अब हम लोगों को इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया गया था, पढ़ाया गया था ये प्रेजेंट डेफिनेट है, हैबिचुअल एक्शन, परमानेंट एक्टिविटी, कंसेप्ट ही खराब हो जाएगा ना। द सन राइजेज इन द ईस्ट बात समझ में आती है, उसमें आप कोई टाइम का वर्ड नहीं लगा रहे हो और बिना टाइम लगाए हुए सारा वो सेंटेंस सही है। जरा तुम एरर खोजना, तो अच्छा दो लगाते हैं, छोड़ो ये नहीं, एरर खोजो तो जरा, तीनों सही है, कोई मतलब नहीं है। और आपको एरर कहां जानते हो, क्या पढ़ाया गया था,
सेंटेंस दिया गया, मैं फिल्म देख चुका था, अब एरर बनाओ इसको। तो तुमको क्या लगा कि पास्ट एंड डेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में अंतर क्या है? एक में चुका था लगता है, एक में नहीं लगता है। आपको यह बताया गया, जबकि हिंदी हैज नथिंग टू डू विद विद एन इंग्लिश सेंटेंस। इंग्लिश के सेंटेंस से हिंदी को क्या लेना देना है? अच्छा देखो, तो तुम सोचना कि अगर तुम्हारी हिंदी में कनेक्शन है क्या ये सेंटेंस गलत है हिंदी में? अगर तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे। गलत है क्या हिंदी में? लेकिन अंग्रेजी में इफ यू विल स्टडी लिखें तो सही है। तो सर जिस दिन आपको हिंदी कराया गया था ना, उस दिन टेंस खराब करने का प्रोसेस शुरू हो गया था। हिंदी का सेंटेंस करो, वह 4 घंटे से खेलता आ रहा है। कभी बोले हो आज तक? वह 3 घंटे से सोता आ रहा है, कभी बोले हो? तो ये फ्यूचर प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कंसेप्ट इंग्लिश का है ना, हिंदी में कहां है? हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कंसेप्ट कहां से आ गया? हिंदी में तो कोई कंटिन्यूअस का कंसेप्ट ही नहीं है। वह सो रहा है या वह 2 घंटे से सो रहा है, दोनों सेम होता है। कभी आपने कभी किसी ने बोला है आपको कि वह 2 घंटे से सो रहा है? गलत सेंटेंस है हिंदी में, बोलो वह 2 घंटे से सोता आ रहा है। अगर तुम पढ़ते हो सही होगा, अगर तुम पढ़ोगे गलत हो जाएगा। सर ये इंग्लिश में गलत होगा, हिंदी में नहीं। हिंदी में इफ के साथ फ्यूचर नहीं लगता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। एंड दैट इज व्हाई एट द बिगिनिंग ऑफ द ग्रामर आई टोल्ड यू वन थिंग, कि अगर आपके दिमाग में लगे कि प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम होता है और टेंस का मतलब काल होता है, तो ये तो बर्बाद कर ही लिया आपने अपने अपने ग्रामर को। अब टेंस का मतलब पता नहीं क्या होता है, इसकी हिंदी बनानी, जरा बना दे आप कि जिस टेंस को आप अभी पढ़ रहे हो उसकी हिंदी क्या होगी, उस चैप्टर का नाम क्या होगा टेंस का। लेट मी हैव दैट मीनिंग। बोले मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं तुमको पीटूंगा। समझोगे जरा ध्यान से देखो, ये मिसकंसेप्शंस। सर कहां, आपको ये नहीं पढ़ना था कि हिंदी और अंग्रेजी में समानता कहां है। पढ़ाने वालों को सबसे पहले यह करना था कि दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, ये तुम समझ लो। जस्ट सीधी सेंटेंस, माय फादर टोल्ड मी दैट, यहां तक ठीक है। मैं तुमको पीटूंगा, आई नहीं रुकेगा, मैं बना रहा हूं। गागेगी फ्यूचर होता है, आई शैल बीट यू, सही है? आई बीटी होगा नहीं, इसमें कोई टाइम नहीं लगा हुआ है, कोई वर्ड नहीं है। ध्यान देना जरा, ध्यान से, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। ये मैं किसके लिए लगा हुआ है? अच्छा, ये इस सेंटेंस में ग्रामर की गलती थी क्या? आपके हिंदी भाषा के व्याकरण में कोई अशुद्धि थी? नहीं ना। अब चला,
इंग्लिश के ग्रामर में मिस्टेक्स। ये मैं किसके लिए? फादर के लिए। तो सर वहां ग्रामर की पहली गलती कि मैं नहीं होगा, मैं का अंग्रेजी ही होगा क्योंकि वो फादर के लगा था। तुम किसके लिए? मेरे लिए ना। तो तुमको का अंग्रेजी मी। और विल का अगर पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, पढ़े हो, तो वो उड बदलेगा। ही का जैसे शैल का शुड नहीं होगा क्योंकि आई के चलते शैल लगा था, तो ही के चलते शैल लगेगा, विल हो जाएगा और विल का उड हो जाएगा। अब होल्ड, जस्ट ट्राई टू थिंक वन थिंग। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम होता है क्या? आपने पढ़ा कि प्रोनाउन अपने नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है, यहां आपको अप्लाई करना पड़ा। लेकिन सर्वनाम अपने संज्ञा के बदले में इस्तेमाल होता है, ये कहां? सर्वनाम संज्ञा के बदले में इस्तेमाल नहीं होता, प्रोनाउन नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन जब यूज होगा तो कंपेटिबिलिटी देखनी है कि वो किस नाउन के लिए आया है, लेकिन सर्वनाम तो एकदम सही है। अब जिन लोगों ने स्टार्ट किया था ना प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, दे वेयर बाय एंड लार्ज इलिटरेट ग्रामेटिकली, विथ ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम सेइंग दिस, पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं बोल रहा हूं, इलिटरेट थे। उनको यह बताना था कि बॉस प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम नहीं होता है, सर्वनाम का यूज अलग, प्रोनाउन का यूज अलग। देख लीजिए, और पास्ट में अगला भर पास्ट में होता है, ये रूल है। भूतकाल में अगला भर भूतकाल में होता है, ये नई रूल है, क्योंकि भूतकाल के साथ भविष्यकाल भी इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन अंग्रेजी में पास्ट के साथ फ्यूचर नहीं यूज होगा, पास्ट यूज होगा। अब ट्रांसलेशन आप कर रहे हो, नहीं बन रहा है, नहीं समझ में आ पा रही है, तो परेशानी ये कि उन पढ़ाने वाले लोगों को पलट के जाके पूछो, एंड डू यू नीड टू स्टडी और डू दे नीड टू स्टडी। वो उनको पढ़ने की जरूरत थी या तुमको पढ़ने की? तुम तो पढ़ रहे हो, चलो देखो। और मैं अगर आपके पूरे 10-12 साल आपने बर्बाद किया था ना अपने ग्रामर में, खाली इंफॉर्मेशन, नाउन 5 प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है, खाली प्रकार करते करते। नाउ लेट्स कम टू आवर पॉइंट, छोड़ो, बर्बाद तो हुआ ही है, बाकी देखो। अब अगर आपके पास ये कंडीशन और टाइम, हां एक चीज मैं आपको दिखा दूं कि इसमें एक एक गड़बड़ क्या है इसके और इसके यूज में, क्योंकि इफ का मतलब क्या होता है, मैं बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा हूं, इफ का मतलब क्या होता है। तुम पूछ रहे हो कि मैं पूछ नहीं रहा हूं सर, मैं बता रहा हूं, इसको मिटा दो। चलिए रुक जाए, ओके। ट्रांसलेशन करके ग्रामर पढ़े और अब वो यूज नहीं होता तो कंफ्यूज है। सर ट्रांसलेशन ही गलत था ना, ट्रांसलेशन का पूरा कंसेप्ट गलत है। ट्रांसलेशन शुड नॉट बी डन, एंड इफ इट इज डन, इट इज डन इन द इंग्लिश स्पिरिट, नॉट थ्रू द हिंदी मीनिंग, हिंदी स्पिरिट। अब देखो जरा, इफ हैज गॉट टू मीनिंग्स, एक मीनिंग अगर और एक मीनिंग क्या। देखना जरा, अब अगर सरफेस पे स्ट्रक्चर लो, सरफेस पे जैसे आंख से दिखाई पड़ रहा है कि मैंने मना किया कि इफ के साथ विल नहीं लगता है, इफ यहां लगा हुआ है तो सीधे आप धड़ाम से काटने का मन करेगा विल, जबकि परेशानी यह है कि अगर का मीनिंग होगा तो वहां विल शैल नहीं लगेगा, मॉडल नहीं लगेगा, लेकिन अगर क्या का मीनिंग है तो आराम से लगाइए, क्योंकि मैंने चैप्टर का नाम क्या दिया है, कंडीशन बताने वाले शब्द, और कंडीशन इससे पता चलता है।
कंडीशन का इंडिकेशन, अभी आप समझिएगा, कंडीशन का इंडिकेशन अगर से होता है, इफ क्या से नहीं होता। सो ये सेंटेंस सेकंड वाला जो जो अभी मैंने दिया है वो एकदम सही है, ये इफ के साथ एक रूल है। When का भी दो मीनिंग, जब वाले मीनिंग में नहीं लगेगा, कब वाले मीनिंग में आराम से लगेगा। देखो तो सेकंड वाला सेंटेंस सही है गलत है, ही wants टू नो इफ सॉरी when आई विल रिटर्न, ही wants टू नो when आई विल रिटर्न, सही है ना गलत है। व्हेन का मतलब यहां क्या है, जब मैं लौटूंगा या कब मैं लौटूंगा, और कब के साथ देखो ना ऊपर में, कब के मीनिंग में आराम से विल शैल लगाइए, जब वाला मीनिंग होगा तो नहीं लगेगा। अब आप अगर आंख से देखोगे ना कि इफ या व्हेन के बाद विल शैल नहीं लगता है तो दो सिचुएशन में गड़बड़ी हो जाएगी, और ये दोनों सेंटेंस सही है। ये सुनो, दोनों सेंटेंस सही है, और ये खाली इफ और व्हेन के साथ कंडीशन है, इसका आप ध्यान रखेंगे। विशल वो सादेर दैट वी हैव टू डू, बट राइट नाउ इनकंपेटिबिलिटी कि कंडीशन और टाइम बताने वाले शब्द के बाद वाले सेंटेंस में मॉडल नहीं लगता, विल शैल नहीं लगता। डन। अब सो आई वॉज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द यूज ऑफ टाइम फ्रेम, सेंटेंस में टाइम का फ्रेम यूज होना। देखो अगर टाइम फ्रेम का अगर यूज नहीं हुआ है ना तो वर्ब का कोई भी फॉर्म सही माना जाएगा। आई सॉ भी सही है, I had seen भी सही है, I have seen भी सही है, I will see भी सही है, सब सही है, क्योंकि जब टाइम नहीं है तो खाली टेंस का टेंस है, टेंस का मतलब वर्ब का फॉर्म है, और अगर वर्ब का फॉर्म है तो उसमें कोई एरर नहीं होगा। Am I clear? एक ये पार्ट, इसी पार्ट में तुम्हारे लेवल पे, चूंकि तुम ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि हर बार इस तरह का मिले, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट वीक, टू इयर्स एगो, वो बहुत आसान हो जाता है। चलो शायरी रखते हैं, एसएससी में चार ही होता है। इन चारों में से, इन कोर्स ऑफ टाइम ही डैश इनटू एन इंटेलिजेंट पर्सन, पहला ग्रोज, दूसरा ग्रीव, थर्ड हैज ग्रोन, और चौथा विल ग्रो। अब देखो हम लोग के बनाने का टाइमिंग, मतलब बनाने का तरीका क्या होगा, जो अच्छा लगेगा पढ़ने में उसको चुन लेंगे, बिना ये टारगेट किए हुए कि इन कोर्स ऑफ टाइम कौन सा समय बता रहा है। जवाब यहां नहीं है कि ग्रोज होगा कि हैज ग्रोन होगा कि विल, जवाब ये है कि व्हाट डज दिस इंडिकेट।
और ये है थोड़ा सा एक्सप्लिसिट, ये पक्का है कि ये टाइम बताने वाला फ्रेम दिया हुआ है, लेकिन ये टाइम कौन सा बता रहा है थोड़ा समझने में दिक्कत। यस्टरडे रहता, टुमारो रहता, फटाक से बता देते। कैन आई हैव द राइट आंसर सर? इसमें एक्चुअली क्या है, कि कौन सा गलत है बस ये चुनना है, क्योंकि इसमें तीन सही है। सर अगर ध्यान दो, देखो इसमें खाली वन नंबर गलत है, ग्रोज। क्योंकि एक एक बात समझिएगा, टाइम का बड़ा अजीबोगरीब कंसेप्ट है, समझना। टाइम का कंसेप्ट बहुत मजेदार है, कभी तुमने उस पर कभी सोचा नहीं है, वो होगा पक्का है, कोई सोचवाया नहीं है। तो जो समय बीत गया वो पास्ट, जो समय आने वाला है वो फ्यूचर। कब आने वाला है, कितने देर के बाद आने वाला है। अच्छा, अभी के एक सेकेंड के बाद वाला समय भी तो अभी आने वाला ही है ना, और अभी के एक सेकेंड पहले का टाइम भी तो बीत गया। तो हम लोग बोले कि जो समय बीत गया, अब अगर बिना सोचे अगर बोलो ना बीत गया, तो लगेगा कि एक बीता है 500 साल पहले वाला, तो वो सही में बीता है, कल तक वाला बीता है, लेकिन अभी ये देखने के बाद तुमको कौन सा टाइमिंग दिखाई पड़ता है। कौन सा टाइमिंग दिखाई पड़ रहा है, प्रेजेंट ना। गलत है। आज मैं अपने एक दोस्त से मिला, गलत है। ये भी गलत होगा, सही है। तो टुडे देख के तुमको प्रेजेंट कैसे दिखाई पड़ा, भाई तुम जिस वक्त खड़े हो ना, सिर्फ एक ही प्रेजेंट का टाइम होता है। जिस वक्त मेरे मुंह से शब्द निकल रहा है बस यही प्रेजेंट है। मैंने जो जो पेन ऐसे उठा के नीचे किया ना, वो पास्ट हो गया, और जो मैं लिखने वाला हूं वो सब फ्यूचर है। तो प्रेजेंट तो एक सेकेंड का होता है। अब तुम अगर टाइम को तीन एस्पेक्ट में बांट रहे हो, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, तो मुझे दिखाई पड़ता है कुल मिला के ये इतना बड़ा है कि ये सिकुड़ के प्रेजेंट तो है ही नहीं ना। प्रेजेंट नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती है। और तुम जरा ध्यान देना, अगर प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल होता है, तो वर्तमान काल को बताने के लिए एक ही सेंटेंस है, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बारिश हो रही है, अभी मेरे मुंह से सेंटेंस जब निकल रहा है उस समय में काम चल रही है नहीं। लेकिन अगर आप बोलो मैं खा चुका हूं, प्रेजेंट टेंस की पास्ट टेंस। वह 2 घंटे से खेल रहा है, खेल रहा है, फाइन, प्रेजेंट में है, लेकिन यह 2 घंटा कौन सा, पास्ट का ना। तो तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पास्ट और प्रेजेंट का मिला जुला रूप होता है। प्रेजेंट परफेक्ट तो पक्का एकदम पास्ट का सेंटेंस है। मैं इस फलाने कोचिंग में पढ़ने जाता हूं, प्रेजेंट, आज गए हो। मैं इस फलाने कोचिंग में पढ़ने जाता हूं, ये तो आदमी तभी बोलेगा ना जब वो उस कोचिंग से एब्सेंट हो। वहां नहीं हो तभी बोलेगा, मतलब यहां पे रह के बोलोगे कि मैं इस कोचिंग में पढ़ता हूं, ये तो पागल वाली बात हो जाएगी भाई। वहां से निकलने के बाद ही बोलोगे, तुम किसी और जगह पे हो और मैं इस कोचिंग में पढ़ता हूं, एक तो कि वहां से एब्सेंट हो नंबर वन, नंबर टू आज गए हो कि नहीं गए हो पता नहीं चलेगा, वो बंद हो जा रहा है बार बार, वो आज गए हो कि नहीं गए हो पता नहीं चलेगा, आज कल भी गए थे
आज भी मैं भी तुम गए होगे, कल भी जाओगे, हैबिचुअल एक्शन। तो प्रेजेंट डेफिनेट कौन सा टाइमिंग बताता है? तीनों टाइम ना। सो जिसको आप प्रेजेंट बोलते हो उसमें प्रेजेंट इनडेफिनिट तीनों टाइम बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट टाइम बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट और प्रेजेंट का मिला जुला रूप होता है, और एकमात्र सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो प्रेजेंट बताता है। लेकिन फ्यूचर के साथ ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, पास्ट के साथ ऐसा, जो पास्ट है वो पास्ट है कंफर्म। गेटिंग? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट यू कॉल टाइम एंड टेंस। कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अब ये अगर बोलेंगे कि ये प्रेजेंट बता रहा है तो मुझे लगता है कि ये प्रोसेस से पता चल रहा है। इन कोर्स ऑफ टाइम का मतलब समय बीतने के साथ, जैसे जैसे समय बीता या बीतता है या बीतेगा, समझना। इसका दो तीन मीनिंग हो सकता है, ये फ्यूचर बता सकता है, ये पास्ट बता सकता है, दोनों बता सकता है इन कोर्स ऑफ टाइम। अगर मैं बोलू ना इन कोर्स ऑफ योर टाइम यू विल लर्न द कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंस, अगर मैं ये बोलूं। लेकिन अभी ये क्या बोलेगा कि इसमें पास्ट भी था, प्रेजेंट भी था, फ्यूचर भी है। दिस इज नॉट लाइक दैट। ये हैबिचुअल एक्शन नहीं है, परमानेंट काम नहीं है। लेकिन अगर मैं पास्ट बोलूं, अगर मैं फ्यूचर बोलूं, सॉरी प्रेजेंट बोलूं, पास्ट से लेके अभी तक में ही हैज ग्रोन, और मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, समय बीतने के साथ वो अच्छा इंसान बन जाएगा। सो आपके पास ये तीन समय सही थे, एंड दैट इज वाई जस्ट ट्राई टू थिंक कि अगर आपके सेंटेंस में टाइम को बताने वाला शब्द लगा है तो वो जरूरी नहीं कि हर बार एकदम क्लियर क्लियर बताए, वो कभी कभार आपके समझने के लिए भी छोड़ देता है वो। गेटिंग? और अगर ये कंसेप्ट मैं दो दिन में, लास्ट डे और आज के दिन में अगर मैंने एस्टैब्लिश किया है तो टेंस का एरर आपको शायद सबसे आसान लगेगा। हाँ अभी ये इन दोनों को खाली हम लोगों को खाली समझना है कि कैसे एक्सप्लिसिट और कैसे इंप्लाइड। कभी कभार ये नहीं मिलेगा तभी टाइम का इंडिकेशन मिलेगा। इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू भाई सबको।